हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वंस अगेन वेलकम इन वीके जानना क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि कुछ देश में विभिन्न देशों और शहरों के मीन्स पूरे वर्ल्ड में विश्व में विभिन्न देशों के नाम और उनके उपनाम, किस देश को किस नाम से जाना जाता है, ये बातें हमने की थी। तो जो चैनल पे नया है वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल सके। चलिए आज हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य है जो कि हमारे मानव शरीर के साथ जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट और टॉपिक मानव शरीर की जो संरचना है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या 8 होती है और मानव शरीर में कुल जो हड्डियां होती हैं वो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। चलिए अगली बात करते हैं हम, स्वस्थ मानव की श्वसन दर कितनी होती है। एक मिनट में जो स्वस्थ मानव है वो कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार एक मिनट में मानव सांस लेता है। उसके बाद नंबर 3 पे बात करें, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन 1850 से 1400 ग्राम तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, मानव के सौंदर्य का अध्ययन जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कैलोलोजी बोला जाता है। कैलोलोजी बोलते हैं जो फेस ब्यूटी जो होती है उसकी रीडिंग, उसका अध्ययन जो होता है वो कैलोलोजी के रूप में किया जाता है। नंबर 5 पे बात करें, मानव का सामान्य रक्तदाब रक्तचाप जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो मानव का जो बीपी है वो कितना होता है, 120 से 80 mm होता है, जो कि स्टेथोस्कोप के साथ साथ हाइग्रोमीटर से भी चेक किया जाता है। स्टेथोस्कोप से तो केवल हृदय की धड़कन मापी जाती है। उसके बाद है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कुल समय कितना लगता है, मीन्स पूरी बॉडी में ब्लड कितनी देर में सर्कुलेट हो जाता है, तो मात्र 23 सेकंड में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन और उठता है कि एक मिनट में जो पंपिंग है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, वो कितना ब्लड पंप कर देता है। तो साथियों यहां से आपको ध्यान रहे, एक मिनट में लगभग 6.5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड जो है वो पंप कर देता है। कौन, ह्यूमन हार्ट ब्लड को पंप कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% मानव में जो जल है वो होता है। उसके बाद मानव में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। कहीं आपको 6 से 10 लीटर भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअली एवरेज अगर देखा जाए तो 5 से 6 लीटर ही मानव में रक्त होता है। और जो ये 5 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड कितना है वो बताता है हमें, 10 ग्राम है 11 ग्राम है, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो हमें HB की रिपोर्ट बताता है कि आपके ब्लड में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो इस मीन्स बहम में ना रहे कि 10 ग्राम 15 ग्राम 5 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम एक्चुअल में जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो 5 से 7 लीटर एक ह्यूमन बीइंग में होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, मानव जो शरीर है उसका रक्त का पीएच जो होता है वो बेसिक होता है, 7.4 पीएच मान होता है मानव के रक्त का। नंबर 10 में बात करें, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, रेड ब्लड सेल इनका पूरा नाम होता है। नंबर 11 पे अमीनो अम्ल की संख्या 20 है मानव में। प्रतिदिन कितनी क्वांटिटी में यूरिन क्रिएट होता है, मींस कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन होता है मानव शरीर में, तो वो कितना होता है, 1.5 लीटर 1.5। अब टीबिया नामक हड्डी कहां होती है, ऑप्शन में एग्जामिनर आपको दे देगा कि टीबिया नामक हड्डी होती है हाथ में, पैर में, सिर में या फिर
पेट या फिर कहीं पे भी कमर में, तो इसका सही आंसर होगा टीबिया नामक हड्डी पैर में है। विटामिन ए जो संचित रहता है वो कहां रहता है? विटामिन ए, विटामिन ए मानव के यकृत में रहता है। चलिए नंबर 15 पे बात कर लेते हैं हम, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। इसकी वीडियो मैंने एक बार पहले भी बनाई थी, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट, अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी, जो कि जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि कान में होती है और कान के मध्य भाग में, मध्यकरण में भी हम बोल सकते हैं। नंबर 17 पे बात करें, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, जो कि दांत का ही एक भाग होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करें हम। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो चैनल पे नया है प्लीज चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और हम आपके लिए डिफरेंट टाइप की वीडियोस लेकर आते रहें, आपकी भी स्टडी डिस्टर्ब ना हो और हमारा भी मोटिवेशन कम ना हो, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यूस चलती रहे। तो आपका कोई पैसा लगता नहीं है, केवल लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन दिखाई दे रहा है उसी को प्रेस करना है। तो जल्दी से कर लें, जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगली बात करें हम, शरीर का कठोर भाग है वो इनेमल है। नंबर 18 पे बात करें, सर्वदाता रक्त समूह जो किसी को भी दे सकता है वो कौन सा ग्रुप है? वो ओ ग्रुप है। यहां से नंबर 19 की बात करें, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी, जो कि ए बी ग्रुप है, वो किसी से भी अपना ब्लड ले सकता है। नंबर 19-20 की बात करें, ब्लड बैंक किसको कहा गया है? तिल्ली इसका एक भाग होता है, प्लीहा जो होता है उसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, मानव शरीर का ही एक भाग होता है। नंबर 21 में बात करें हम कि कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल पसलियां 24 होती हैं, जोड़े में अगर पूछे तो 12 जोड़े होते हैं। इसके साथ साथ क्रोमोसोम्स जो जीन होते हैं, गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, जोड़े की बात करें तो 46 होती है भाई। और इसके साथ साथ एक बात और मैं बता दूं आपको, मेंढक जो होता है उसमें ये 22 होते हैं, यहां पे 44 हो जाएगा मेंढक में। अगली बात करते हैं, मांसपेशियों की संख्या कितनी है? वो 639 है, 639 मांसपेशियां हैं। नंबर 23 में बात करें, ऊतक का निर्माण कौन करता है? ऊतक का निर्माण प्रोटीन से होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन के बीच में ये क्रिएट भी हो जाती हैं और डेड भी होती रहती हैं। नंबर 25 पे बात करें, शरीर का ताप नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक है जो शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल लो एंड हाई कंट्रोल करती है। तो ये 25 क्वेश्चन वो हैं जो आपको कॉम्पिटेटिव लेवल में भी कहीं ना कहीं अटके मिलेगा इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से कवर अप कर लें। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।